एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजट एक्सपर्ट हैं। एके मिश्रा जी आपका भी स्वागत। एके मिश्रा जी मैं आपका रुक कर लेता हूं, बजट एक्सपर्ट होने के नाते थोड़ा सा एक्सपर्ट विश्लेषण कर दीजिए, ये बजट कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का आप? देखिए, अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई जैसी बीमारी है अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट या दवा दिया जाता है। यूपी की आप इकोनॉमी को समझिए, अभी तक यूपी को जो बोला जाता था वो बीमारू राज्य बोला जाता था, 80 से ज्यादा सीटें यानी दिल्ली में सरकार जो बनती थी वो यूपी से बनती थी। पॉपुलेशन देखिए, अगर हम 25 करोड़ पॉपुलेशन मान ले तो लगभग 20% यानी 1/4 1/5 पॉपुलेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन यूपी करता है। लेकिन यहाँ पर नितांत उन चीजों की आवश्यकताओं की कमी रही है जो विकास के लिए हमेशा होते हैं। राजनीति में विकास बहुत हुआ, इस हिसाब से देखा जाए तो जितने लक्षण हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है कि एक एक चीज के लिए बजट में व्यवस्था की गई है शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरी चीज जन कल्याण की अगर बात करें, जैसे आप देखिए कुछ ऐसी योजनाएं बजट में प्राविधान की गई हैं जिसका कि इमीडिएट इम्पैक्ट लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होगा। जैसे किसानों का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, खेत में मान लीजिए सांप काट लिया या ट्रैक्टर वगैरह से दुर्घटना हो जाती है, सबसे खास बात यह रही है ना 25 करोड़ की जनता को ट्रांसपोर्टेशन यानी दिल्ली और दूसरे शहरों से जुड़ने के लिए जो सिस्टम चाहिए था, यानी हाईवे का जाल आप बिछ रहा है दिल्ली से गोरखपुर तक जाने के लिए, आज यूपी में 3-4 से ज्यादा हाईवे बन गए हैं, गांवों को जोड़ा जा रहा है, हर घर बिजली और पानी दिया जा रहा है। सबसे खास बात एमएसएमई को अगर आपको ग्रो कराना है तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि वो लाइसेंसिंग और ये लाइन में लगने की पहले आप अपनी फैक्ट्री ओपन कर लीजिए, प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। एक चीज और देखिए, थर्ड लार्जेस्ट अगर जीडीपी वाइज देखा जाए तो यूपी का जो स्टेट का जो जीडीपी है वो लगभग 19 लाख करोड़ के आसपास है। मैं मानता हूं ये थर्ड लार्जेस्ट है, महाराष्ट्र का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है, हाँ सबसे ज्यादा है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम महाराष्ट्र से कई गुना आगे हैं। सवाल ये, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 7-8 करोड़ के आसपास होगी, हम 3-4 गुना ज्यादा हम पॉपुलेशन है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन यूपी का देश में नंबर वन क्यों नहीं रहा है जीडीपी का? इस क्वेश्चन का आंसर अगर मिलना है तो आप इस बजट को समझिए, और इसी तरीके से अगर होगा तो डेफिनेटली एक चीज और खास बात है, आप देखिए बच्चियों को जो पढ़ने जाती हैं उनके लिए टैबलेट देने की घोषणा की गई है, ये कितना सुखद है। टैबलेट आप ये देखिए पूरी दुनिया से उनकी कनेक्टिविटी होगी, महिलाओं का बच्चियों का जो सशक्तिकरण है साक्षर बनाना, एक एक महिला या एक बच्ची को आप साक्षर बनाते हो तो पूरे घर को आप बदलते हो। ये कुछ ऐसे सैलियंट फीचर है ना, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो बन रही है, हालांकि एक जेवर तो दिल्ली के पास है लेकिन आप ये देखिए बनारस में ही केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था या लखनऊ में था, अयोध्या में एक और बन रहा है। जिंदल साहब मैं आऊंगा, मैं समझता हूँ एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेता हूं। मैं समझता हूँ कि आगरा और उसके साथ साथ आप ये देखिए इलाहाबाद वगैरह में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा और हाई स्पीड ट्रेन और रोड और इन सब चीजों का करना चाहिए। ओवरऑल ये बहुत सेटिस्फैक्टरी और विजनरी बजट जो है मैं इसको बोलूंगा। एक कमेंट में एके मिश्रा जी से भी ले लेता हूं। एके मिश्रा जी, एग्जीक्यूशन के पार्ट पर हमेशा सवाल होता है कि बजट तो बहुत अच्छा होता है, लुक लुभावन भी चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे? योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, धरातल पे उतरने में क्या कुछ हर्डल्स देखते हैं आप? देखिए डेफिनेटली एक तो उत्तर प्रदेश जो अपने आप में बहुत पिछड़ापन टाइप का मतलब प्रदेश माना जाता था, तो सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कहीं कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं मशीनरी इक्विपमेंट और टैलेंट नहीं मिलता है, जो रिसोर्सेज बेसिक होने चाहिए वो आपको बाहर से मंगाने पड़ते हैं। जैसे अगर बहुत हैवी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की क्रेन आपको मंगानी है जो दुबई वगैरह में होती है तो वो यूपी में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, अपने आप में इतना विशाल सिस्टम है, यूपी को तो मैं कंट्री विद इन कंट्री मानता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभ्यता कल्चर कुछ और है, जरूरतें कुछ और है, बगल में बुंदेलखंड में कुछ और है, सेंट्रल यूपी में कुछ और जरूरत है, उसके बाद ईस्टर्न यूपी में कुछ और जरूरत है। जो इसकी इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है और सोशल डाइवर्सिटी है ये अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। इसके लिए एक बहुत सशक्त ब्यूरोक्रेसी चाहिए, न्याय व्यवस्था बहुत सशक्त चाहिए, पुलिस वगैरह या जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जो इंप्लीमेंट करें वो बहुत हाईटेक और डेडिकेटेड होने चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जैसे बजट बहुत अच्छा है चलिए मैं मान लेता हूँ, एक्चुअल में जब प्रॉब्लम आती है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो कितने परसेंट आपको सक्सेस मिलती है, उसके पीछे
रीजन है। अगर आप एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो बजट के जो लक्ष्य होते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पे पूरी इकोनॉमी और पूरी पब्लिक को लेकर के जाना। अब पहले अंडा की पहले मुर्गी वाली बात, अगर आपके पास अगर आप रिसोर्स कलेक्ट नहीं कर पाए, मान लीजिए आपको कोई हाईवे बनानी है और आपके पास वो रिसोर्स नहीं है, वहां पे पैसा आपने एलोकेट किया है वो फंड आप यूज नहीं कर पाएंगे और एक साल का टाइम निकल गया। तो बहादुरी इस चीज में मैं देखना चाहता हूँ, इफिशियंसी मैं इस चीज में देखना चाहता हूँ कि एक एक पाई का क्विकली यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो, कोई फंड वापस ना जाए। कुछ मैं आपको डाटा दूंगा, आप ये देखिए यूपी की जो जरूरत है, बजट का एक अगर निगेटिव पॉइंट हम देखें, प्रयास सराहनीय है लेकिन यूपी की जो जरूरत है उस हिसाब से ये बजट अभी भी कम है। उसके पीछे कारण है, अगर आप पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे तो लगभग 70,000 रुपए के आसपास है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के कारण जो हमारा ग्रोथ होता है ना, वो जब पर कैपिटा के लेवल पे आता है तो हम बहुत नीचे चले जाते हैं। अच्छा, अब इस सराहनीय किस चीज के लिए है? ये सराहनीय फ्यूचरिस्टिक बजट मैं इसलिए बोलता हूँ, जैसे जिंदल जी ने ग्रोथ की बात की है, अगर आपके सड़कें बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, ये सब है, तो उसके रिजल्ट अल्टीमेटली ये आते हैं कि पर कैपिटा रोजगार ज्यादा, रोजगार के मौके ज्यादा अवेलेबल होते हैं और इनकम बढ़ती है। सवाल ये है, मैं सिर्फ एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि शायद जितने डोज की दवा यूपी को चाहिए होती है वहां पे भी फाइनेंशियल लिमिटेशंस है। भाई पैसा कहां से आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, उसका भी आंसर है पैसा कहां से आएगा, लेकिन किस क्वांटिटी में बजट को होना चाहिए। 5.5 लाख करोड़ का है, मैं बोलता हूं यूपी को अगर कंट्रीब्यूट कराना है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनानी है और देश में, मैं बोलता हूं यूपी में तो जापान जैसे बहुत सारे देश पैदा हो सकते हैं अगर नियोजन अच्छे तरीके से किया जाए, प्रबंधन या मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जाए। कोशिशें सराहनीय है लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है और बहुत स्पीड से चीजों को इंप्लीमेंट करना है और टारगेट बहुत ऊंचे रख करके उनके लिए रिसोर्स एलोकेशन भी बहुत तेजी से करना है। बिल्कुल जिंदल साहब, हालांकि ठीक है, एके मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत शार्पली एक रिएक्शन आपका। देखिए फंड एलोकेशन का मैं आपको इस बजट का एक लेटेंट फीचर भी मैं बता दूं, बजट को अगर टोटल स्टडी करेंगे ना तो ये बहुत ही फंड अट्रैक्टिव बजट है। फंड अट्रैक्टिव बजट ये है कि जितनी विकास की योजनाएं हो रही हैं वहां पे वो फंड, देखिए फंड कहां से होगा, यूपी गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है फंड कलेक्ट करने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद लेगी, उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर वगैरह से मदद लेगी, जो एक परंपरा है फंड की ऑल ओवर वर्ल्ड में वो है। ये बजट की एक बहुत खूबी ये भी है, अभी कोविड के कारण डिस्टर्ब है लेकिन कोविड जैसे ही उत्पन्न ये हटेगा, फंड अपने आप जनरेट होना, अट्रैक्शन होना शुरू होगा, क्योंकि जो परियोजनाएं हैं, चाहे आप हाईवे को देखिए, रेल को देखिए या जेवर वगैरह जो एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक और यूपी गवर्नमेंट अपने आप में अगर आप पाई चार्ट बनाएंगे तो मैं समझता हूँ इतना फंड वो एलोकेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। सर नहीं, जिंदल साहब मैं आपकी बात को समझ गया, लेट हिम अलाउ टू कंप्लीट। यस मिस्टर जिंदल, प्लीज टेल मी।